चल रहा है, सर्टेनिटी नहीं है, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो को आप काफ़ी गंभीरता से सुनो। आज की डेट में जो टेक्निकल एजुकेशन है, हायर टेक्निकल एजुकेशन है, लोअर टेक्निकल एजुकेशन है, इन सारे के जवाब मैं इसमें दूंगा। पहली बात, यहाँ पे मैं विदाउट प्रूफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे AICTE के नोटिफिकेशंस लगे हुए हैं, पेपर्स के कटिंग्स लगे हुए, पेपर्स के कटिंग्स पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा। और जो AICTE ने भेजी हुई ऑर्डर लेटर है, वो लेटर मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आज की डेट में अब तक जो मैं वीडियो आउट कर रहा हूँ, तब तक के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का जो डिसीजन हुआ है, वो डिसीजन मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ। 11th क्लास के सभी बच्चे 12th क्लास में विदाउट एग्जाम प्रमोट किए गए हैं। लेट मी वेरी क्लियर, 11th क्लास के सारे बच्चे 12th में विदाउट एग्जाम्स प्रमोट किए गए हैं। नंबर टू, 8th 9th के सारे स्टूडेंट्स आगे के क्लास के लिए प्रमोट किए गए हैं लोअर एजुकेशन में। 10th क्लास की मुसीबत ये थी, उनका ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का पेपर बाकी था, बट ये भी क्लियर हो गया कि वो पेपर कैंसल हुआ है। अब उसके ऊपर सवाल यह है कि सर 10th के किस आधार पे मार्कशीट होगी, वो अभी तय होना बाकी है। ऑल राइट्स इज गिवन टू द स्कूल प्रिंसिपल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। आपके इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पे उसके मार्क्स तय होंगे, अभी तक ये फिक्स हुआ है। वैसे भी बेस्ट ऑफ 5 होता है, तो उस सब्जेक्ट्स को खास करके बाजू में रखेंगे, वो सब्जेक्ट छोड़ के 5 सब्जेक्ट्स के आधार पे आपके मार्क्स बनेंगे। अब तक ये क्लियर है। अब मैं हायर एजुकेशन के लिए आता हूँ। 12th ईयर के स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, सर हमारा लॉकडाउन के अभी 2 महीने गए, तो क्या हमको 2 महीने एक्सटेंड करके मिलेंगे? रिवाइज्ड ऑफ द एकेडमिक ईयर का मीटिंग होना बाकी है, तो अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि आपका एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। नंबर दो, पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करते हैं, वो ऑटोनॉमस हो या फिर MSBT हो, पॉलिटेक्निक क्लास के कोई भी बच्चों को कोई भी सेमेस्टर को प्रमोट नहीं किया गया है। द डिसीजन इज पेंडिंग, द सिचुएशन इज एज इट इज, आपको पढ़ना है घर पे। इंजीनियरिंग का क्लियर कर देता हूं, द सेम सिचुएशन विद द इंजीनियरिंग, या फिर BSc हो या फिर BC हो, ऑल अदर कोर्सेस, अब BA BCOM सारे के सारे ले लो, क्योंकि जब रूल लगेगा इट विल बी कॉमन टू ऑल। तो कोई भी हायर लेवल इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आज की डेट में यह कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। अब कुछ चीजें जो मैं यहां पे गाइडलाइन हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कि मैं आपको गाइड करना चाहता हूं, उसको आप गंभीरता से सुनो। सबसे पहला, अपना लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ 14 अप्रैल को 15 को खुल जाएगा, तो उसके बाद में नीचे मैंने AICTE का लेटर लगाया हुआ है। लेटर को देखो, सिर्फ कॉलेजेस को लेटर भेजा गया कि 15 तक के लॉकडाउन है, तो आप इस लॉकडाउन के ऊपर अपने कॉलेज के एम्प्लॉयज को आने मत दो, आप उनको छुट्टी पे भेजो और उनके लिए जो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है वो आप करो। और जिसके ऊपर मैं तवज्जो चाहता हूं, उसके नीचे लिखा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक इंश्योर दैट योर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, your all assignments, your all homework, your all lectures will be teach by your students, that is we called work from home। घर से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको टेस्ट भेज रहे हैं, ये उसमें लिखा है। इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि उसके ऊपर मैं कंक्लूड करने वाला हूं। उसके बाद में 14 को फिर से अपने मोदी जी आए, उसके पहले अपने CM ने उसको 30 तारीख तक बढ़ाया था और मोदी जी ने 3 तारीख तक बढ़ाया। अब मैंने इस साइड में आप देखिए उसके बाद वाला AICTE का अपडेटेड लेटर लगाया है, उन्होंने बोला है ड्यू टू द रिवाइज्ड इन द लॉकडाउन अप टू 3rd में द ऑल प्रोसेस इज पोस्टपोन, मतलब जो कहा गया था वो एज इट इज पोस्टपोन किया गया है, तो आपकी एग्जाम्स 3 मई तक कोई एग्जाम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, चीजें ऐसी ही रहेगी। फिर से नीचे लिखा गया एंश्योर दैट योर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, योर रेगुलर असाइनमेंट्स, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन। अब मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, मतलब एक चीज बारीकी से ऑब्जर्व करो, AICTE ने सिर्फ कॉलेज में
टीचर और स्टूडेंट्स को आने के लिए मना किया है, मतलब मास गैदरिंग उन्होंने बंद किया है, कहीं पे भी टीचिंग लर्निंग बंद नहीं है। सो यू कैन नॉट क्लेम कि हमारा टीचिंग हो ही नहीं रहा है, बिकॉज कॉलेज हैज प्रोहिबिटेड, कॉलेज हैज कंपल्सरी टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। और मेरे ख्याल से सारे कॉलेजेस, आप देख रहे होंगे, आपको कॉलेजेस से बहुत सख्ती से असाइनमेंट्स या वर्क, ये सारे वर्क आ रहे होंगे, बिकॉज ये इस चीज का हिस्सा है, तो उनको ऊपर से ऑर्डर्स है, वो उनको करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपसे, आप समझ लो कि इससे जो मैंने कंक्लूड किया, क्या एग्जाम, अब कुछ अफवाह ऐसी है कि सर एग्जाम ऑनलाइन होगी, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ लोग बच्चों ने भेजा है सर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर हमको क्वेश्चन पेपर बना के दो। भाई ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम्स होगी तो उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। अब मुझे क्या लगता है, एंड ऑफ द डिस्कशन व्हाट आई कंक्लूड, यदि मेरी बात को गंभीरता से सुनो, नंबर वन आपको क्या करना है, जो क्लास की रेगुलर असाइनमेंट्स टीचर आपको पूछ रहे उसको सीरियसली सबमिट करो, आपको वो रेगुलरली क्वेश्चंस आंसर दे रहे उसको सुनो, जो लेक्चर्स दे रहे उसको सुनो, मींस प्लीज प्लीज इंक्रीज योर अटेंडेंस फॉर ए ऑनलाइन लर्निंग, नंबर वन। नंबर टू, अभी फिलहाल में कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर नहीं है। यदि अपना 3 मई तक के लॉकडाउन खत्म होता है और उसके बाद में अलाउ होता है, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज कॉलेजेस में मास गैदरिंग होता है, इसलिए ये सबसे आखिरी में खुलेगा। और यदि ये पूरा का पूरा मई महीना ले लेता है और फिर जून के स्टार्टिंग में जाता है, देन इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कंडक्ट एग्जाम्स। उसके बाद में यदि ये जून भी ले लेता है तो उस केस में फिर उस केस में यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन का सोच सकते हैं। यदि जून के बाद जुलाई तक की ये बात जाती है तो उसमें एक और तरीका है, मेरी बात को समझो कि समझ लो कि जो फाइनल ईयर में है, मतलब 8th सेम में है, 6th सेम में, जैसे 3 साल का कोर्स है, 6th सेम का रिजल्ट 8th सेम का, मतलब कोई बंदा इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बीएससी बीए की डिग्री कंप्लीट कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको लॉकडाउन की वजह से वैसे ही डिग्री ऑफर की जाए, मतलब डॉक्टर बनाए दिए, इंजीनियर बनाए दिए, मतलब एग्जाम्स जून जुलाई के बाद में, 3 महीने के बाद का मेरा अनुमान बरो कंक्लूजन, इसके ऊपर फिक्स डिसीजन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो सिर्फ ये जो एंडिंग के कोर्सेस है, जो डिग्री कंप्लीट कर रहे उन लोगों के लिए ही यूनिवर्सिटीज कुछ व्यवस्था करेगी अपना एकेडमिक ईयर बचाने के लिए, नहीं तो एकेडमिक ईयर कोलैप्स हो जाएगा। तो उनके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन अटेंडमेंट होगा, कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स उनके लिए हो सकती, और जो बीच वाले सेमिस्टर है मे बी दे आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ, अभी मेरे लफ्जों पे ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आपने जो लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, ऑनलाइन सबमिशंस किए, असाइनमेंट्स किए, ऑनलाइन वर्कआउट किए हैं, इस आधार पे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी में आपका या एमएसबीटी में आपका डेटा भेजना होगा, और उस आधार पे आपके परसेंटेज या आपके प्रमोशन, आपकी बैच हिस्ट्री देके दिया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए मेरा एंड ऑफ द डिस्कशन ये सजेशन है कि जो जो आपको कॉलेज से सजेशंस आ रहे हैं उसको आप सीरियसली सॉल्व करो, अफवाहों पे बिलीव मत करो, जो रेगुलर स्टडी चल रहा है आराम से चलने दो, ऑनलाइन की मदद लो, अपने वीडियोज आ रहे उस वीडियो को एंजॉय करो, कोई सजेशन है तो वो बताओ, और जो फाइनल ईयर डिग्री के बच्चे हैं वो लोग प्रिपरेशन चालू रखो। सिर्फ इतना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।